बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्लिम, प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 29 मुहर्रम है, 7 सितंबर है और बुध का रोज है, परवरदिगार मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाजीन, आपको हमारे फॉर्मेट के इल्म है, हमारी गुफ्तगू जो है वो इस मौजू के तहत कि करबला आले रसूल, करबला कूफा और कूफे से शाम, जो भी जितने भी मनातिक जितने भी मंतक़े रास्ते में आए, जहां जहां से भी इसराए आले मोहम्मद को गुजारा गया, वहां पर क्या क्या जुल्म जो है वो रवा रखे गए, कहाँ कहाँ पे खुदबात हुए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मामलात, जो कुछ क्योंकि मामला इतने ज्यादा थे कि नहीं है इसको जो है वो तमाम सबका जो है वो मुत्तफिका राय यही है कि तमाम जो है वो हालात दर्ज नहीं हो सकते थे, मगर जो कुछ तारीख में हालात दर्ज किए हैं उनके ऊपर जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि इस महदूद टाइम में रहते हुए आपके जाने आलिया तक उन तमाम हालात को पहुंचाया जाए। तो हम बाकायदा रोज एक सिलसिले को एक तसलसल के साथ, एक सिलसिले वार अंदाज के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि बिल्कुल जो है वो कारवान की जो ये तारीखें हैं वो कूफे को अबूर कर कर और मुख्तलिफ जगहों से जो हमने सारे मनातिक का जिक्र किया, मुख्तलिफ यानी कि बाज इस वक्त इलाके तुर्किया के अंदर है, बाज इलाके जो है उस वक्त लबनान के अंदर है, पहले पूरा शामात था, तो अब वो वरूद शाम होने को है और जो है वो पहली सफर उसी तारीख बताई जाती है कि इस वक्त जो है मुसाए आले मोहम्मद का कारवान जो है वो शाम में दाखिल हुआ था। तो उसके क्या तारीख में सब कुछ लिखा, किस तरह से वहां पर वरूद शाम हुआ, किस तरह बाबू साद पर पहुंचे हैं, किस कदर मजालिम हुए, कितने घंटे रोका गया, क्या मामला थे, दरबार कहते हैं कि सज रहा था, अहले बैत अलैहिस्सलाम को खड़ा रखा गया, वो तमाम चीजों को तारीख क्या कुछ कहती है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब, हिंदुस्तान से क़िबला, आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे, सैयद शुहदा को और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अकदम अल्लाह लकुम अजर इंशाअल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अजीम इबादत हो। जजाक अल्लाह क़िबला, जजाक अल्लाह। जिस तरह से भी हमने कहा कि बिल्कुल हम जो है वो इस वक्त एक तारीखी एतबार से तमाम तारीख को बयान करते हुए इस वक्त वरूद शाम के मरहले तक जो है वो पहुंच गए हैं और कल जो है वो यही वो तारीखें हैं, यही वो साआतें हैं, यही वो घंटे हैं, यही वो लहजात हैं, यही वो लम्हात हैं जब कारवान बिल्कुल जो है वो शाम के दरवाजे के ऊपर जो है वो पहुंच रहा है। तो क्या कुछ तारीख में लिखा क़िबला, शाम के हालात और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक शख्स से मुकालिमा बड़ा मशहूर है, इसी पर रोशनी डाले तो इस तवील गुफ्तगू भी हो जाएगी, फिर बाबू साद के हालात और जिस तरह से दरबार को सजा गया और अहले बैत जुल्म होते रहे, तमाम चीजों को अपनी नई नौजवान जनरेशन के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرين ناظرين مشاركين مشتركين مشاهدين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر إن شاء الله آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم ترین عبادات کی جزا अजर अजल इनायत फरमाए। यकीनन कोशिश और काविश यही है कि नाज़रीन की खिदमत में तफसील से उन अहवाल पर रोशनी डाली जाए और उन हालात पर रोशनी डाली जाए कि जो तारीखी हकायक हैं और जिसकी तरफ बहुत सारे अफराद की अभी भी निगाह। तो आप गौर फरमा लें तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ आप हजरात की खिदमत में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब कारवां लेकर, हजरत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जब कारवां लेकर पहुंचे हैं दमिश्क के करीब। अब देखिए दमिश्क जो अफराद जाते हैं या जब भी मौका मिले तो दमिश्क जरूर तशरीफ ले जाइएगा। जब भी आप दमिश्क तशरीफ ले जाएंगे तो दमिश्क के जो मदाखिल रईस, जिसको हम मरीसी कहते हैं या मदाखिल जो बहुत सारे अबवाब हैं, एक दरवाजा नहीं बल्कि कई दमिश्क में दाखिल होने के दरवाजे हैं। दमिश्क में जब आप दाखिल होते हैं तो दमिश्क में दाखिल होने फिर और जब दाखिली हिस्से में जाएंगे तो यजीद का दरबार आए, यजीद का जो दरबार है वहां पर जो है उसके कुछ अबवाब हैं दरबार के।
वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन उससे अर्ज करना चाहता हूं कि अबवाब दमिश्क, इस पर जरा गौर कर लीजिएगा, अबवाब दमिश्क और हैं और अबवाब दरबार और हैं, यानी दोनों में बहुत ही फर्क है, फर्क है, फर्क दोनों दरवाजों में बहुत ही फर्क है। तो है, सही। जरा सा आप तवज्जो फरमा लें नाज़रीन के वो कौन सा दरवाजा है कि जहां से अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। तो अल्लाह रिवायत फिल कुतुब बिअन्ना जब अहले बैत अतहार दाखिल हुए हैं, दमिश्क के करीब पहुंचे हैं, तो अभी शहर दमिश्क के दरवाजे अंदर दाखिल ही नहीं हुए थे कि वहां पर एक शख्स ने देखा कि एक कारवां आया है जो लुटा हुआ कारवां है और अजीब सी हाँ कैफियत है कारवां की। तो उस शख्स ने फौरन जो है लोगों से सवाल, तुम ईद, क्या आज कोई ईद है जिसका इल्म मुझे नहीं है? तो किसी शामी ने कहा कि नहीं, ईद तो नहीं है। तो कहा ये खुशियां, हाय ये नकारे, ये ढोल, ये हाँ जदीद और ताजा और नए लिबास, ये क्यों? तो एक मरतबा क्यों उस शामी ने अल्लाह कहा कि शायद तुमको इल्म नहीं है क्योंकि तुम गरीब लगते हो, यानी मुसाफिर लगते हो। अरबी में गरीब मुसाफिर को कहते हैं। तो कहते हैं कि मुसाफिर शायद तुम मुसाफिर लगते हो कि जिसकी वजह से तुमको इल्म नहीं है। फौरन जो इमाम सज्जाद अली सलात मौजूद थे और ये शख्स शामी से कर रहा है। अब शामी से जब कलाम कर रहा है तो शामी ने कहा कि देखो, यजीद इब्ने माविया ने किसी बागी को कत्ल किया है और वो बागी गिरोह उनको कत्ल करके उनके रुउस को, उनके सरों को शहर दमिश्क में दाखिल किया है, उसी की खुशियां हैं, और उनके खानवादे को, उनके अल्लाह बच्चों को असीर कर लिया गया। ये जुमला सुनना था तो कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो कौन से बागी हैं? वो शख्स कहता है वो कौन से बागी हैं? तो आवाज दी शामी ने, अल्लाह वो सामने देखो बेसर है और वो बीबियां वो बच्चे। एक मरतबा कटे बेसर के करीब पहुंचा, देख कर गौर से कहता ये तो बागी नहीं लगते, ये बागी नहीं हो सकते, ये तो आसमाने जमालो कमाल है, ये आसमाने तहारत लगते हैं। एक मरतबा सरे हुसैन के करीब आया, रोकर पूछने लगा, ऐ कटे हुए सर, बता दे किसका सर है, ये तो किसी मुकद्दस और अजीमी का सर लगता है। करीब में देखा एक शख्स रसन बस्ता, गले में तौके खारदार, कमर झुकी हुई, रुकू की हालत में, अजीब सी कैफियत में। उस शख्स ने फौरन कलाम करके कहा कि अरे ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। अब ये शख्स और घबरा गया, घबरा मरतबा इमाम सज्जाद के करीब और आकर इमाम सज्जाद से कहता है कि आप कौन हैं? इमाम सज्जाद ने कहा तुमने हमें नहीं पहचाना, हम अल्लाह हुसैन मजलूम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन हैं। और वो शख्स पहचान गया, कहता है मौला आप कदमों पे गिरता हूँ, मौला ये क्या हालत हो गई, गाजी अब्बास कहाँ है? मौला ने आवाज दी, वो कटा हुआ सर देखा, सर है वो हजरत असगर का कटा हुआ सर है, वो देखो छोटे छोटे दो बच्चों का सर है, और मोहम्मद का सर है, वो देखो कासिम सर को देखो, फलां के नजा पर है। एक मरतबा ये घबरा कर तलवार निकालना चाहता है मौला की तरफ से, मौला ने कहा नहीं, ये जंग की जगह नहीं है, यह जंग की जरूरत नहीं है, मौला कोई हुक्म दीजिए, मौला मैं आपकी क्या खिदमत करूं? इमाम ने कहा कि देखो, अगर कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो ये नैजा बरदारों को दे दो और इनसे कहो कि ये रुउस को आगे लेकर जाएं ताकि हुजूम ताकि शाम इन सरों को देखे, हमारी माँ और बहनों को ना देखे, हुसैन की बेटियों को ना देखे, फूफियों को बलवाए आम में ना देखे। था शाम का अजीजों, शाम की शख्स रोने लगा। मौला ने कहा तुम्हारे पास पैसे हो तो जाओ बाजार से कुछ चादरें खरीद कर और इनको दे दो, हमारे बेमकना चादर है। शख्स गया नैजाबरदारों को कुछ पैसा देता और कहता ये सर चल ले जाओ, और उसके बाद फिर कुछ चादरें बाजार से खरीद के लाया, बीवियों के हवाले हाय किया, बीवियों ने अपने सदर और तो, लेकिन कुछ दकायक के बाद क्या देखा, नैजाबरदार
सरदार लईन, वाह तवील लहजा देखकर कभी सकीना के सर से नैजे की के जरिए से हजरत, कभी जनाब जैनब के सर से चादर नैजे की से उतार रहे। ये अजीब सी अजीब सा मंजर था जो मदखले रईसी के वक्त पेश आया। जब आप कभी तशरीफ ले तो आपको अंदाजा होगी वो आप उसको पाते हैं। आपको दरवाजे, बड़े दरवाजों के निशानात आज भी हैं, बड़े बड़े मद निशानात आज भी। जब जुवारे किराम शाम आप जाते हो, आपको बाबू साथ का मंजर बुलाता है। अगर उससे पहले आप उस तरफ आइए, सबक से जब अहले बैत का कारवां और ये काफिला शहर दमिश्क में दाखिल हो रहा था, उस वक्त क्या है जब बाबे दमिश्क से अहले बैत हथियार का लूटा हुआ कारवां जहां गूंज रही थी, ऐ तमाशाइयों तमाशा देखो, ये आले मोहम्मद का काफिला नहीं कह रहे थे बल्कि कह रहे थे ग्रोह है। अजीजों, आपने कभी सोचा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुसलसल शाम 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 कह के क्यों रोते थे? आप तसव्वुर करें, अकबर के कलेजे में बर्छी से कलेजा कट गया, बर्छी के साथ कलेजे के आए। वो मंजर बहुत सख्त था। इमाम सज्जाद भाई का कलेजा निकल आना सख्त था, कोई नहीं सकता, तड़प के मर जाएगा। लेकिन कासिम के लाश के टुकड़ों को देखना सख्त मंजिल है, असगर के गले पर चिरे फॉर्मूला को देखना सख्त मंजिल है। लेकिन इस बावजूद इमाम सज्जाद जब भी रोते थे, करबला से लेकर ज्यादा शाम करके रोते थे, शाम अशाम अशाम। मैं सोचता रहा वजह क्या थी, शायद ये तीन मर्तबा मुसलसल शाम, यानी बाजार शाम, दरबार शाम, ये तरीन जगहें थी जहां पर इमाम सज्जाद को एक एक कदम पर रोना पड़ा, एक एक कदम पर जख्म लगा। अच्छा, अगर बाजार शाम के खसूसियत के साथ बयान फरमाइए कि क्या हालात थे, क्योंकि ये बिल्कुल वही तारीख है। हम अपनी गुफ्तगू को लेके बिल्कुल उस मोड़ के ऊपर आ गए कि बिल्कुल वरूद शाम से हम जो है वो मुतसल हो रहे हैं। कल जो है वो वरूद शाम है, तो यही वो शब है जिसके अंदर इन तमाम मसाइब का बयान होना बड़ा जरूरी है कि किस तरह से जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस को शाम में दाखिल किया जा रहा है। एक बाकी की रियासत जो कि एक अरसे से मौलाना मोमिन पे हजारहा मिंबरों से सबको शतम करती चली आई, जिसने दीन को बिल्कुल इस तरह से पलट दिया जिस तरह से आप इस हाथ से अंगुष्ठी निकाल कर और दूसरे हाथ में पहन लेते हैं, इस तरह से पूरे दीन को पलटा गया। तो वहां पर किस तरह से बाजार शाम के हालात क्या थे? बाजार शाम यकीनन बहुत ही सख्त मंजिल है, और जब भी आप जाएं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। यकीनन बाजार शाम के मनाजिर बहुत ज़्यादा सख्त तरीन है, और जितनी भी मकातिल की किताब है या जो भी आपको तारीख मैसर हो, आप अगर अरबी में पढ़ें तो बाजार शाम जब आप कभी जाएं तो बाजार शाम से दरबार शाम का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। जितने भी बाजार से अहले बैत को गुजारा गया, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मदखले रईसी में जब आप कभी आए शाम जाए, चूंकि मैं वहां रहा हूं और वो बालबक की तरफ से कारवाने अहले बैत अथार आया, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि वो हमूस हलब हमा, ये यानी हलब से हमा हमूस ये होते हुए फिर बालबक, बालबक से फिर उल्टा बरअक्स मुआकिस दमिश्क में दाखिल होना। जब ये मदखले रईसी से दाखिल हुए तो सिर्फ एक बाजार नहीं था, कई बाजार, और फिर दमिश्क में दाखिल होने के बाद भी एक बाजार से इनको नहीं गुजारा गया। यजीद लईन की कोशिश ये थी कि हर मकाम के ऊपर पत्थर बरसाए जाए, हर मकाम पर इनकी रस्सियों को खींचा जाए, हर मकाम पर इनको तड़पाया जाए, हर मकाम पर इनको सताया जाए। शायद यही वजह है कि मुसलसल सतारे में, और मैंने खुद देखा जार और पत्थर इनको यजीद लईन की फौजों ने कि यहाँ से जब काफिला गुजरेगा बागी का, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि जिन लोगों ने शिरकत नहीं की करबला में इनको मारने की, तो इन पर पत्थर बरसाना। यहाँ तक मैंने सुना है बुजुर्ग उलमा से भी
आग तक हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंकी गई, और जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए थे। तो ये बहुत ज्यादा हर बाजार में गया, मरूर करते हुए गुजरे हैं। असल बाजार शाम में जब एक मरतबा ये पहुंचे हैं, वहां पर जो वाकयात रोनुमा हुए वो बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि जनाब सकीना का कलाम करना है खातून से पानी के हवाले से, जब रुची वो सारा मंजर आपके सामने है। और उस खातून जो छत पर बैठी हुई है, उसने जब दुआ के लिए गुजारिश करवाई, और गुजारिश करने के बाद यही जुमला कहा था कि दुआ करो जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, ऐसे कोई बच्ची दुनिया में यतीम ना हो। ये बच्ची जख्मी है, ऐसे कोई बच्ची जख्मी ना हो। बाजारे शाम से जब अहले बैत का लूटा हुआ काफिला गुजर रहा था, रावी के जुमले हैं, रायतु यतीमतन बाकियतन मुकय्यदतन, मैंने एक 4 साल बच्ची को बाजार में देखा जो कभी पैरों को उठाती है, और अपने गले में पड़ी हुई रीसमाने जुल्म को ढीला करने के लिए बार बार कोशिश करती है। इसलिए अजीब सी कैफियत है उस बच्ची की कि लबें पटी हुई हैं, चेहरा तम्बू से जख्मी है, पुश्त नैनी है, सर पत्थर से जख्मी है। अपने बाबा के सर को देख कर एक जुमला कहती थी, बाबा बाबा आपने वादा किया था खरेबत उस शाम में मुलाकात करोगे, बाबा आई ना खरेबत उस शाम। यानी ये बच्ची करबला से लेकर शाम तक अपने बाबा को पुकारती रही, बाबा आपने वादा किया था। इमाम हुसैन रोजे आशूरा जब खैमे से निकल रहे थे, बच्ची ने जब बाबा से कहा था, बाबा आखिरी बार मुझे सीने पे सुला लो। बाबा ने बेटी को सीने पे सुलाया, कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ वादे किए इमाम हुसैन ने। बच्ची ने अपने बाबा के सर पे, बाबा वादा करो मुझसे कब मिलने आओगे। जो भी गया बाबा वापस नहीं आया। आई अकबर ये लेके गए, हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बेटा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बाबा आप कहाँ मिलने आएंगे, आवाज दी मजलूम करबला ने, फिल खरेबा, मैं तुमसे खरेबा में मिलने। अब ये बच्ची को क्या मालूम कि ये तो शाम क्या है, ये जिंदाने शाम क्या है, इस बच्ची को नहीं मालूम। बच्ची बहुत छोटी है। बाजार के जब करीब पहुंची, सईद सज्जाद से पूछती रही, भैया ऐन अल खरेबा, ऐन अल खरेबा। अब इमाम सज्जाद ये सख्त मंजिल थी कि इमाम वक्त कैसे समझाए इस बच्ची को कि वो खरबा बीबी एक जिंदान है जहां पर छत नहीं होगी। बीबी उस जिंदान में आपको पत्थर पर सर रख सोना पड़ेगा। बीबी अजीब सी कैफियत है, जानारू मैं कैसे बयान करूं। इमाम सज्जाद के लिए बहुत सल है। कभी आप तन्हाई में बैठ के सोचे, जब आप बाजार जाएं, कभी आपके साथ माँ बहन बेटियां हों और बाजार में हुजूम पड़ जाए, ना महरमों की निगाह आपके अंधे के ऊपर पड़े, आपकी अजीब सी बेचैनी बढ़ जाएगी, जल्दी से घर चलो, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लेकिन इमाम सज्जाद तो हर एक मोड़ पर इमाम सज्जाद पर हमला हो रहा था। खुदा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रहे थे, अभी बाजार के मुंतसफ में पहुंचे थे। रावी कहता है, राइतु रजुलन खरज मिन अल मस्जिद व तकल्लम मा अल इमाम। रावी कहता है, एक शख्स मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, उसके हाथ में कुरान है, और ये कुरान भी है, वो इमाम सज्जाद गौर से देखा, क्यों कैदी कौन है, तुम कौन हो हमारे बाजार में इस तरह से कैदो सलासिल में, तुम्हारे गले में तोके खारदार, तुम बागी हो जिसके बारे में हमने सुन रखा है अभी। अब आप मुझे बताएं कि जिसके घर शरीयत इस्लाम, जिसके घर में कुरान का नुजूल हुआ हो, हाथ में कुरान लिए शख्स पूछ रहा है, आप वही हैं जिनके बारे में हमने सुना है। इमाम सज्जाद, शायद ये जुमला बहुत सख्त है कि इमाम सज्जाद के लिए बाद में बहुत सख्त मंजिल थी। इमाम ने सर उठाया, इमाम कहते नहीं, हल करात अल कुरान, क्या तूने कुरान पढ़ा है। आवाज दे के कहता, नाम लखत करात कुरान, मैंने पूरा कुरान, अभी ये हाथ में कुरान है, मस्जिद से पढ़ के आ रहा हूँ। इमाम ने फौरन रोकर कहा, एक मरतबा शामी घबरा गया, कहते ये आयत क्यों पढ़ रहे, ये आयत तो अहले बैत से मखसूस है। इमाम रोने लगे। इमाम ने कहा, हल करात आयतन उखरा, दूसरी आयत पढ़ी, अय्यो आयत तकूल,
इमाम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल अल्लाह क़ुरबा। क्या तुमने ये आयत पढ़ी है? अब आप सोचें कि जिसकी मोहब्बत वाजिब करार दिया गया हो उसे कौम के खारदार करना। मैं उर्दू में जो मुतरजिम ने अरबी से उर्दू किताब मसाइब की किताबों का तर्जुमा किया है वो खारदार उन्होंने लिखने की कोशिश की, मगर खारदार से ज्यादा सख्त तरीन वो तौक था। आपके लिए तौक ऐसा था कि अगर बड़े बड़े हैवानात तौक डाल दिया जाए तो सर कोई नहीं उठा सकता था, और इतने नुके के ये तौक के की जो नोके होती थी कैदी के गर्दन में अगर आ जाए तो कैदी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। उसकी रगें कट जाती थी, उसकी गर्दन कट जाती थी, और शायद यही वजह करबला से लेकर शाम तक इमाम सज्जाद रुकू की हालत में थे। वो वजह क्या थी? तारीख से पूछो, सकील असकल तरीन हदीब असकल तरीन और अख्तर तरीन तौक इमाम सज्जाद के गले में डाला गया। खारदार वो यूं काटा काटा ऐसा पतला नहीं था, बहुत सख्त तरीन। ये तो मुतरजिम ने कोशिश की उस कैफियत दर्द पहुंचाने की, वरना लफ्ज नहीं बोलते मैं उस तौ जो गले में इमाम सज्जाद के डाल। इमाम ने कहा तुमने आयत पढ़ी? शामी घबरा के कहते हाँ ये तो अहले बैत की मोहब्बत के लिए। अंतलिमा तकरा हादिल आया फी सूक शाम, तुम शाम के बाजार में वो कैदी शायद पढ़ रहे हो। इमाम सज्जाद रोने लगे, रो कर कहते हैं क्या तुम और कुरान कहता नाम। इमाम ने दूसरी आयत तीसरी आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामी घबरा गया, रोकर कहता है बस बस कीजिए कैदी मत पढ़िए। ये अहले बैत अत्हार की शान में, ये तो उस वक्त आया जब अहले बैत ने कर मिस्कीन को यतीम वसीर को बनाया था। इमाम हम अहले बैत रसूल हैं, जैसे ये जुमला कहा शामी कहता है नहीं मुस्तहिल मुमकिन नहीं है, कहां आसमान तहारात और कहां ये नजिस बाबा दरबार मुमकिन नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। अब आप सोचिए कि अहले बैत अत्हार की सख्त मंजिल है। इमाम सज्जाद शायद बाजार में इसीलिए तड़पे हैं जब ये शामी कहता है आप कसम खाइए कि आप अहले बैत रसूल, आप कसम खाइए, आप तसव्वुर करें आप कसम खाइए। उस वक्त तड़प कर इमाम जी ने जुमला कहा तो रसूल पहनो अहलो बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम शामी हम ही अहले बैत रसूल हैं। जुमला सुना एक मरतबा शामी इमाम के कदमों में गया, आप इमाम हुसैन के बेटे जी रोकर कहते हैं मौला आप किसी नाकिबे को हुक्म दे दीजिए क्यों अपने कदमों तले मुझे कुचल दे। क्यों? का इसलिए कि जो बीबियां है वो आले मोहम्मद के घर की है, वो कटे हुए सर है, वो बे मकनौ चादर बीबियां हैं, मैं मर जाना गवारा कर लेकिन कम अज कम रोजे मैं शब जब रसूल खुदा खात होगी कह तो सकता हूँ या रसूल अल्लाह मैं गुनहगार था मगर आपकी बेटियों को मैंने बाजार बाजार शाम में चादर के नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये शाम के बहुत सख्तरीन मसायब हैं, बहुत सख्तरीन मसायब करबला, फिक्र करबला, कैफियत करबला, और की कैफियत को बयान करते हैं जो करबला से लेकर शाम तक रोती रही बाबा। अच्छा क़िबला, थोड़ी सी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बाबु सात की तरफ चलते हैं। बाबु सात क़िबला, यहाँ पर क्या क्या जुल्म जो कि तारीख में लिखे हैं, क्या क्या जुल्म हुए और वहां पर कितने घंटे जो है वो अहले बैत सलाम के कारमा को ठहराया गया, इसका भी जो है वो जिक्र है, इसको भी बयान फरमाइएगा। और इसको बाबु सात क्यों कहते हैं और इसका कदीम नाम जो है वो क्या था? क्या हमेशा से बाबु साती नाम था या उसरा अहले बैत अलैहिस्सलाम के वरूद के बाद इस जगह का नाम इसको बाबू सात के नाम से ताबीर किया गया, इस पर भी रोशनी डालिएगा।
باب عربی میں کہتے ہیں ناظرین دروازے کو، اور صحاب کہتے ہیں اور کو، گھنٹے کو، اور اس کی گھنٹے جمع، کو اس کی پلورل ہے ماشاءاللہ. ساعات. باب الساعات یعنی وہ دروازہ جہاں پر اہل بیت اطہار کو کئی گھنٹوں تک گھنٹوں روکا گیا تھا. 29 محرم کو باب اہل بیت الساعات اطہار کا یہ اسی باب الساعات پر پہنچ گیا تھا. 29 محرم کو، 29 محرم، 20 محرم، پہلی سفر کو اہل بیت اطہار کا یہ کارواں، یہ اسیروں کا قافلہ یزید کے دربار ہائے میں داخل ہوا. انتیس ہائے محرم کو علی کی بیٹی جب باب الساعات پر پہنچی، اس دروازے کا نام پہلے ساعات نہیں تھا. جب اہل بیت اطہار کے کارواں کو روکا گیا، جب معصوم بچوں کو روکا گیا، جب سکینہ باب الساعات پر ٹھہرایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک اس دروازے کا نام باب الساعات ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص منصف جس میں دل ہے، جو صاحبان ضمیر ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں، جب بھی اس واقعے کو سنیں گے تڑپ جائیں گے. اس مقام پر 4 سال کی بچی کو بھی روک تصور کر لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں 29 محرم سے پہلی سفر تک. اور اس سے پہلے اس دروازے کا نام جو ہے وہ باب الساعات نہیں تھا، بلکہ یہ باب الجامع الاموی تھا. اس دروازے کا نام یعنی اس جگہ جس کو یزید نے دربار بنایا، یہ بنو امیہ نے اسے قبضہ کر لیا تھا ایوب سے لے کر، اس کے دربار بنا دیا. تو باب جامع الاموی تھا، یہ سوق دمشق کی طرف سے، سوق شام کی طرف سے. اور دوسرا ایک تو میں دروازہ کالنگ کھلتا ہے کو جہاں سے، جی بسم اللہ. جی کالنگ کو دیکھ رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قبلہ فرمائیے. بسم اللہ. جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، فون پہ بات کیجیے. فرمائیے. جی ٹی وی کی آواز بند کر کے فون پہ بات کیجیے. فرمائیے. آواز تھرو نہیں ہو رہی ہے سرکار آپ کی، آپ دوبارہ فون کر لیں. اور جب کوئی لائف کال کریں پروگرام میں، ٹی وی کی آواز بند کریں، اس پہ ڈیلے ہوتا ہے، ڈائریکٹ فون پہ بات کریں. اچھا قبلہ باب جامع اموی قدیم نام اس کا. کنٹینیو کیجیے. جی فرمائیے. جی جی کنٹینیو کیجیے. باب جامع اموی یہاں تک پہنچے تھے، قدیم نام باب صاحب جزاکم کا. اللہ. تو بابو باب جامع اموی جو ہے یہ وہ دروازہ ہے اللہ کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کے قافلے کو روکا گیا تھا. اور اس سے پہلے اللہ کالن اس دروازے کو، جی بسم اللہ فور فرمائیے. سلام علیکم بولیے. ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. علیکم السلام. جی خبلا فرمائیے. بسم اللہ. جی جی فرمائیے میرے بھائی. آپ کی لائن تھرو نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی. جی ہاں. جی قبلہ بسم اللہ. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے آپ. ہمیں لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑا سا قبلہ، جب ابھی چند ساعتوں میں ہمارے ساتھ دوبارہ جب وہ شامل ہو جائیں گے تو پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہم تاریخی اعتبار سے جو گفتگو کرتے ہوئے جو وہ آگے پڑھ رہے ہیں، اور لہذا بلہذا جو جس طرح سے تاریخ میں لکھا کہ کن کن مناطق سے عبور کیا اس قافلے نے، کہاں کہاں پر جو ہے وہ اس سے گزارا گیا، جو کہ ڈائریکٹ ایک مستقل روٹ تھا کوفے سے، اور سیدھا دمشق جایا جا سکتا تھا، مگر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پورے وہ گھماتے رہے ہیں. اور ان مناطق کے ہم نے جو ہے وہ نام بھی لیے، خامشلی کے اوپر بات کی، مشرق ہما کے اوپر بات کی، ہومس میں بات کی، بالبک کے اوپر بات کی، اسقلان کے اوپر بات کی، اور سکمہ حجر، مشہد حجر کے اوپر بات کی، مشہد راس کے اوپر بات کی، اور بھی بہت سارے مناطق تھے جہاں پر اس کاروان کو لے کے جایا گیا. ان تمام کا ہی ہم نے جو ہے وہ ذکر اس کے اوپر کیا ہے، اور روز ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ تاریخی اعتبار کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لے کر آگے بڑھتے رہے، کیونکہ ناظرین یہی وہ تاریخیں ہوتی ہیں. ہم سال بھر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ موضوعات ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، پورا سال پڑا ہوتا ہے، مگر یہ خاص تاریخیں ہیں کہ اس میں جو ہے وہ
इन्हीं चीजों का जिक्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अपनी नौजवान जो हमारी नई जनरेशन है उसको पता होना चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह से रवैया रखा गया, क्या रवैया था दुश्मनान का, किस तरह से उन्होंने जो है उसके ऊपर एक आलम इस्लाम के ऊपर एक उमवी कमंत जो है वो डाल के किस तरह से इस्लाम को हाईजेक करने की कोशिश की, और आज भी करते हैं, इस्लाम के दावेदार बनते हैं मगर उनके हाथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के खून से रंगे हुए हैं। किस तरह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को ना सिर्फ कैद किया, अजियतें दी, बल्कि कशा बकशा दयार का दयार जो है वो फहराया गया। और जहां पर हम पुराने वाकया पढ़ते हैं जहाँ असहाबे कैफ का, तो वहां पर जो है हमें ये भी मिलता है कि आयमन ने फरमाया कि असहाबे कैफ के मामले से अजीब तर मेरा मामला था, जिस तरह सर हुसैन को जो है पूछा वो बाजारों में ले जाया गया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस मौजूद है, अल हसन व अल हुसैन सैयदना शबाब अहले जन्ना और शबाब अहले जन्ना के सरदार के साथ जो क्या सलूक रखा गया, ये वो तारीखें हैं जिसमें दुश्मन के मनहूस चेहरे से उमवी नकाब को उतारने का जो वक्त है और जो हकायक है उनको बरबला किया जा रहा है। किबला एक मरतबा फिर हमारे साथ शामिल है, किबला बाबे जामे उमवी तक हमारी गुफ्तगू पहुंची थी, वहां से कंटिन्यू की है। सल्लमकुम अल्लाह। जी, बाबू जजाकल्लाह। सआद पर जब अहले बैत का काफिला पहुंचा तो यजीद की तरफ से एक हुक्मरान आया, उसने ये कहा कि इसी मकाम पर इस काफिले को रोक दिया जाए। जब सवाल किया गया कि अभी दाखिल क्यों ना हो दरबार के अंदर, आवाज आई कि दरबार को अभी मुजयन किया जा रहा है, दरबार को सजाया जा रहा है, सुफरा आ रहे हैं, वुजरा आ रहे हैं, फाइनेंसर आ रहे हैं, खवास आ रहे हैं, इसलिए दरबार को सजाया जा रहा था। और अहले बैत जथार उसी बाबू साआत पर ठहरे हुए थे। अब आप तस्वुर करें, बाजारे शाम से बाबू साआत तक अहले बैत जथार को कितने घंटे लग गए वहां पहुंचने। ये तारीखी हकायक हैं, दर्द शाम है, दर्द अहले बैत है। और यही वजह अल्लाह है कि बाबू साआत पर जब अली की बेटी पहुंची वहां पर, तो अब अकबर। जाहिर सी बात है कि सारे मराहिल तो सख्त तरीन थे, प्यास की शिद्दत, प्यास की कांटों का शिद्दत। रास्ता, हजर और पत्थर वाले रास्तों से गुजारा गया, जंगलात से, गाबात से, मुश्किल तरीन रास्तों से पत्थर फेंके गए, आग आले मोहम्मद पर बरसाई गई, हर मकाम पर सताया गया, किसी मकाम पर अहले बैत अतहार को सुकून नहीं मिला। और मैं शायद देखकर बहुत परेशान था एक रोज कि करबला से लेकर शाम जिंदान तक या जिंदान तक अली की बेटी और हुसैन की बेटी कभी सो नहीं सकी। किसी किताब में मुझे नहीं मिला कि करबला से लेकर रोजे आशूरा से लेकर रोजे आशूरा इमाम हुसैन के जाने के बाद ना शाम गरीबा में सो सकी अली की बेटी, और ना अल्लाह ही करबला से फौर शाम तक सो सकी। और जब भी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा या हुसैन की बेटी सोना चाहती थी, आंख लग जाती थी, तो जालिम ताज़ीने मारते थे, दुर्रे मारते थे, नैज़े यानी चुबाते थे। मैं बहुत परेशान था, मकातिल के जुमले देख रहा था कि अली की बेटी को ये नैज़े की यानी क्यों मारी जा रही है शाम के रास्तों में। तो शायद बुनियादी वजह यही थी कि इमाम हुसैन से अली की बेटी हजरत जैनब बहुत चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। भाई बहन मोहब्बत की मिसाल करबला है, भाई बहन की मोहब्बत की मिसाल जैनबो मखदूम है, बहुत ज्यादा। तो जालिम ताने के लिए इमाम हुसैन के सर को देखते थे और जनाब जैनब को नैजे की अनी चुभते थे। और यही कैफियत वो 4 साल बच्ची की थी जिसके बारे में शिमर ने पूछा भी था, ये बच्ची कौन है, का ये हुसैन के सीने पर सोती थी, अपने बाबा को याद करती है। करबला से लेकर शाम रास्तों में और फिर बाबू साआत में भी तारीखी जुमले, और आज भी अरब उलमा इस दर्द भरे फकरे को पढ़ते हैं और पढ़कर रोते हैं कि बाबू साआत में पहुंचकर जब अली की बेटी कई रोज से थकी हुई थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, हाय जालिमों ने फौरन नो के नैज़े अली की बेटी को चुभोना बेहद शुरू कर दी। और इस तरह से अली की बेटी सो न सकी, किसी मकाम पर आ सकी। हुसैन की 4 साल बच्ची को भी नैज़े की यानी चुभोई जा रही थी और बाबू साद पर उनको जगाया जा रहा था। कभी आप तसव्वुर करें
बाबू सात अहले बैत के इस काफिले को जगा क्यों रहे थे दालिब, सोने क्यों नहीं दिया बाबू सात पर? शायद इसीलिए कि बाजार सज रहा है, वो इतना ज्यादा हम तकलीफ दें कि जब दरबार में ये पहुंचे तो बिल्कुल ये बेहोशी की हालत में हो जाए और खुद अपनी कैफियत को ना बयान कर सके। जब राइटर रिपोर्टर ये कहेगा कि ये बागी हैं तो इनके अंदर वो ताकत नहीं होगी कि अपने आप को अपना तारुफ करा सके और बता सके कि हम असली कुरान हैं, हम अहले बैत के अथार हैं। अजीजों एक फकरा कर दूं और उसके बाद फिर आगे की मंजिल बताता हूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तमाम कारवे के साथ थी, मगर एक जुमला मुसलसल करती थी, बीवियों घबराओ नहीं। कूफे की मंजिल में भी तमाम बीवियों को दिलासा दिया, घबराओ नहीं। शाम के रास्तों में भी, शाम में भी कहा बीवियों घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं बीवियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब बाबू साथ के करीब पहुंची और सामने दरबार आ गया यजीद का, और अली की बेटी को इतना सताया, इतना तड़पाया गया, अब यजीद का दरबार, जालिम आ गए, काफिले को लेकर दरबार में दाखिल करो। बहुत सख्त जुमला में कैसे अली की बेटी के करीब इमाम सज्जाद आए, कूफी चलिए दरबार में, चलिए कूफी अम्मा, यजीद का सामने दरबार है। जब आप बाबू साथ जाए, बाबू साथ और यजीद का दरबार एक है, यानी बाबू साहब अंदरूनी दरबार का, वो भी अम्मा दरबार चलिए, अगर जनाब ज़ैनब खामोश है, कुछ नहीं बोलती, फिर आहिस्ता से इमाम ज़ैनब आबिदीन ने कहा, कूफी अम्मा दालिम ताज़ियाने मार रहे, चलिए दरबार चलिए। अली की बेटी ने एक जुमला कहा, बेटा सज्जाद, जब मेरे बाबा के सर पे ज़र्बत लगी थी, मेरे बाबा उससे असरार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे बाबा ने तमाम मनाजिर को बयान किया था, बेटा करबला में ये तुम्हारे साथ होगा, तुम अपने भाई के गले को कटता हुआ देखोगी, तुम अपने कलेजे में बर्छी का खून देखोगी। शाम के रास्तों को बयान किया था, कूफे के रास्तों के तमाम वाकयात मेरे बाबा ने बयान किया था, और ये कहा था, हाँ बेटी ज़ैनब, जब मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा यज़ीद के दरबार में मैं अकेले कैसे जाऊँ, उस वक्त इमाम अली ने, मेरे बाबा ने वादा किया था, ज़ैनब घबराना नहीं, जब तुम यजीद के दरबार में जाओगी अली तुम्हारे साथ होगा। ये गुफ्तगू कर ही रही थी कि एक मरतबा ये कहकर उठी, सज्जाद मेरा बाबा आ गया, वो देखो मेरा बाबा आ गया, या अली मदद कह के अली की खड़ी हो गई, और उसके बाद दरबारे यजीद लईन में मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी दाखिल हो गई। الله اكبر والله اجرنا واجركم في الحساب عبد الله حسين سلام الله باب السعاد کا بھی جو ہے اس کا تاریخی جو ہے پس منظر پیش کیا کہ باب السعاد کا قدیم نام کیا تھا باب السعاد کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے تاریخی اس کے اندر یہاں پر کیا کیا مصائب ہوئے بہرحال قافلے کو بہت دیر تک روکا رہا کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اذانیں جو ہے وہ ہوتی رہی اور قافلہ جو ہے وہاں پر رکا رہا اذیتیں دیتے رہے ان تمام چیزوں کا آپ نے بیان کیا تھوڑا سا دربار کی بھی کیفیت بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا سا 10 منٹ ہے تھوڑی سی دربار کی کیفیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کتنی کرسی نشین موجود تھے کس کس کیٹیگری کے کس کس طرح کے لوگ سفرا کہا جاتے ہیں یہ مختلف وزرا تھے غیر مسلمین کو بھی تماشا دیکھنے کے لیے رسول اللہ کی اولاد کا بلایا گیا تھا کیا کچھ بنو امیہ نے اہتمام کیا تھا جو مخالفین اسلام ہیں ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا اس پر بھی بات کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہم تمہارے شامل ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہاں پر کیا کیا معاملات دربار میں دیکھنے میں آئے جتنا آج ہمارے پاس وقت ہوا اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہم تاریخ کے اوپر پورا لے کر ایک سلسلے وار گفتگو کو رکھے ہوئے ہیں تو وہ آگے جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی ایک کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی علیکم السلام بسم اللہ فرمائیے جی جی بات ہو رہی ہے بسم اللہ فرمائیے میری بہن بھائی میں ہے نا پہلے تو پوچھا تھا اس کا تم کن آگا جزاک اللہ آپ کو پوچھا میں بات کر رہی ہوں
मैं आया था कि मुझे इतना बुखार से बाहर में से गलती हो जाना, प्लीज माफ कर देना। तो जी, फरमाइए। बिस्मिल्लाह। भाई मैं आपकी ना मेरे लिए दुआ करे कि मैं ना कर बुलाऊ शाम की रात करे, बड़ी अम्मी भी करे मेरे साथ। शुक्रिया ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अभी कबला से दुआ भी करवाते हैं इंशाल्लाह। जजाक भाई अल्लाह, आपका। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जजाक अल्लाह। कबला कहते हैं कि जब मसाइब इमाम हुसैन सलाम, मसाइब आले मोहम्मद का बयान हो रहा और आंखों से अश्क लोगों की चादियों से हो, जो दुआ की जाए वो मुस्तजाब होती है। हमारी बहन ने कॉल की कि वो चाहती है कि अपनी वालदा के साथ करबला शाम की तबात आलियात की जियारत करें, तो उनकी दुआ की बराबरी के लिए कबला ये दुआ कर दें। और एक और कॉलर को भी हम शामिल करेंगे। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मुर्शी भाई, आलि अस्सलाम मदद। वालेकुम सलाम मौलाना मदन मुश्ताक भट्ट साहब। वालेकुम शिकला साहब, आप भी देख रहे थे मेरा। अस्सलाम वालेकुम या आलि अस्सलाम मदद। शिकला साहब, सलाम जब ये आंसू आपके जारी थी मुर्शी भाई, ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है जो जिक्र शिकला साहब ने अभी किया है बाबुल साहब का। 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें, मुझे, मेरी फैमिली के साथ दोबारा पाक बीबी सलामुल्लाह की ज्यादा फरमा दे अपनी जिंदगी में। जजाक अल्लाह। वो तो गई है, लेकिन बार बार दिल कहता है, बार लेकिन बार आप जो बार भी बार फरमा रहे थे, दिल कहता था कि शिमला साहब पढ़ते रहे और हम रोते रहे, लेकिन वक्त का तकाजा यही है था, आपका टाइम भी खत्म हो गया जजाक और दुआओं के तलबगार हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। इश्तियाक भट्ट साहब कबला ने आपकी दौरान गुफ्तगू ही दुआ फरमा दी, और तमाम नाज़रीन भी इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे। जिसके बल्कि आज भी करबला जाना चाहते हैं और जबल सब्र हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ियारत करने शाम जाना चाहते हैं। और यकीनन मैं एक जुमला अर्ज कर दूं कि दुनिया जिसकी अज़मत और कुर्बानी को सलाम करने जाए उसे हुसैन कहते हैं, यानी पूरी दुनिया का हर फर्द जिसकी कुर्बानी को सलाम करने और जिसकी शख्सियत और अज़मत को सलाम करने जाए उसको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन मौला हुसैन जिसकी ज़ियारत करने आते हैं उस शख्सियत को सैयदा ज़ैनब कहते हैं, यानी इमाम हुसैन उस असीम हस्ती को कहते हैं जो अपनी बहन की ज़ियारत को शाम आते। तो यकीनन मैं दुआ करूँ कि परवरदिगार जो लोग आतबात आलिया मुकद्दसात की ज़ियारत करना चाहते हैं उनकी दुआओं को इस्तेमाल फरमा ले, वो करबला इराक शाम और दीगर ज़ियारत तक जरूर जाए, खुदा मदद फरमाए इंशाअल्लाह। और जो मरीज हैं उनको परवरदिगार आजिल और कामिल इनायत फरमाए। परवरदिगार चैनल मुसलसल खिदमत दीन अंजाम दे रहा है, खिदमत खल्क अंजाम दे रहा है, परवरदिगार अहले बैत चैनल को भी मजीद कामयाबी इनायत फरमाओ। तमाम मुमिनीन की दुआ। एक और कॉल हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह जी, मेरी बहन फरमाइए। जी जी फरमाइए मेरी बहन जी। टीवी से मत सुनिए, फोन पे बात कीजिए। जी जी फोन पे बात कीजिए, टीवी से मत सुनिए, फोन पे बात कीजिए, बिल्कुल टाइम कम है, फरमाइए। जी जी प्रोग्राम के बाद फोन कर लीजिए। ऑन ईयर थोड़ी नंबर मांगे जाता है, बहरहाल फोन के बाद प्रोग्राम के बाद बात कीजिए। मौजू मौजू के हिसाब से कॉल किया कीजिए कि जो मौजू चल रहा है उसके ऊपर हम जो है वो आपकी कॉल्स को अकोमोडेट करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़े से दरबार के हालात बयान हो जाएं कि दरबार में जो है वो किस तरह से इस्लाम का दरबारी ईद की जो कैफियत थी कि दरबार को मुजयन किया जा रहा था, सजाया जा रहा था, क्योंकि जो दरबार का बैरूनी हिस्सा है जब आप जाएं तो वो ओपन है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर आम क्राउड था, मजमे आम। और अंदरूनी हिस्सा जहाँ से अब्दीन ने मिंबर के करीब से जहाँ से खुतबा दिया था, जहाँ यजीद लाइन बैठा हुआ था, 700 कुर्सी नशी जो आप सुनते हैं मजालिस में नौहा में, वो 700 कुर्सी नशी कौन थे? वो सुफरा थे, वज़रा थे, फाइनेंसर थे। और यजीद की चूंकि एक ऐसा इतना बड़ा दहशत गर्द था, इतना बड़ा मुजरिम था कि दुनियाए तुगात वगात का बहुत बड़ा ये दहशत गर्द और टेररिस्ट और आतंकवादी था, मुआविया का बेटा यजीद अबू सुफियान का पोता। तो ये चूंकि इतना बड़ा दहशत था कि दुनियाए दहशत गर्दी में इसका बहुत बड़ा नाम था, लोग इसके सामने कांपते थे, डरते थे। तो मजीद दहशत पैदा करने के लिए इस मुजरिम ने, इस गालिब ने, इस तावी ने, इस कातिल हुसैन ने और इस कातिल कुरान, मैं तो ये कहता हूँ कि ये कुरान का कातिल है, ये शरीयत पर इसने हमला किया, इसने आयतों पर हमला किया, मगर आयतों ने नौके सेना पर कुरान की तिलावत करके बताया, गर्दन काट सकता है मगर
आयत की तासीर और तफसीर और उसके एजाजात को खत्म यजीद तू नहीं कर सकता। और दरबार की जो कैफियत है बैरूनी, उसमें तमाम अहले शाम को मुख्तलिफ मदनों रीफ व अरियाफ व पुरा और देहात और मनातिक से उनको बुलाया गया था तमाशा देखने के लिए और एक हैबत पैदा करने के लिए, ताकि यजीद के मुकाबले में कोई खड़ा ना हो सके। कोई कॉल तो नहीं आपके पास? बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें, ड्रॉप हो गई। ऐसे जरा मुकम्मल कर दूं, तो यजीद की पूरी कोशिश ये थी, यजीद ये चाह रहा था कि एक दहशत पैदा हो, इसलिए उसने तमाम लोगों को बुलाया था और उसके प्लान के मुताबिक राइटर भी थे। अब नाजरीन जो मैं जुमले अर्ज करूंगा उस पर गौर कीजिएगा, यजीद ने बाकायदा मीडिया को खरीद लिया था, कुछ अफराद को दौलत के जरिए, कुछ को ताकत के जरिए, किसी को डरा के, और कुछ बिके हुए जमीर भी यजीद के साथ थे। तो यजीद की जो पूरी प्लानिंग थी दरबार के अंदर वो ये था कि जो अफराद उसके खवास थे उनको बुलाया था उसने, और जो उसके हामी ज्यादातर अफराद थे उनको दरबार के अंदरूनी हिस्से में उसने बुलाया, और बुलाने के बाद जो बैरूनी हिस्सा है वहां आम क्राउड, अंदरूनी हिस्से में फाइनेंसर वजरा सफरा और उसके मीडिया के लोग थे, जिनको हम रावी कहते हैं, रिवायत कहते हैं, रुवात कहते हैं, रावी रुवात कातिब कुत्ताब कहते हैं, जो दुनिया को जिन्हें बताना था कि ये क्या हुआ शाम में या दरबार शाम में। तो ऐसे अफराद थे, मैं ये भी जुमला अर्ज कर दूं कि एक दो राइटर और मुअर्रिख नहीं थे, कसीर तादाद में यानी सैकड़ों की तादाद में रुवात को, राइटर्स को यदीद मालून ने अपने दरबार के अंदर बुला के रखा था, सैकड़ों की, अगर 1000 हैं तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। उस जमाने में तारीख नवीस को बुलाया था इसने, स्पेशलिस्ट जो जमीर फरोश, मिजाज फरोश, दीन फरोश, कलम फरोश, फिक्र फरोश अफराद थे, उनको बुलाकर कि ये करबला का जो वाकया है इसको हम डाइवर्ट कर देंगे, और सिर्फ बागी 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 बागी, और सिर्फ ये भी जुमला नोट करिएगा कि सिर्फ एक इलाके के उसमें राइटर्स को नहीं बुलाया था, मुख्तलिफ दवल, मुख्तलिफ मदन, मुख्तलिफ कुरा, मुख्तलिफ अरियाफ, मुख्तलिफ मनातिक से, शहरों से उनको बुलाया था कि ये राइटर अपने इलाके में जाएगा तो वहां जाकर तारीख बताएगा कि क्या हुआ शाम में, दूसरा राइटर फुरा मंतिके का वो वहां बताएगा, बालाबक वाला बालाबक में बताएगा, टर्की वाला टर्की में जाकर बताएगा, लेबनान वाला लेबनान में जाके बताएगा, दीगर बिलाद शाम में जो फलस्तीन का इलाका है और भी दीगर वहां वाले वहां जाकर बताएंगे। तो पूरी दुनिया में जो एक करबला का वाकया रोनुमा हुआ, इसे हम तारीख में ले जाते हुए इसको दबा देंगे, खत्म कर देंगे, तो उस तारीख को हम छुपा लेंगे। मगर अली की बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उसी तारीख को, उसी दर्द करबला को, उसी मसायब करबला को, उसी कैफियत करबला को, उसी कुर्बानी करबला को, उसी अफकार अहदाफ करबला को, जिसे यजीद छुपाना चाहता था, अली की बेटी ने अपने खिताबात से उसे छाप दिया, छाप इस अंदाज में दिया कि अब वही राइटर जो करबला की हिस्ट्री को यजीद के मुताबिक लिखना चाह रहे थे, अली की बेटी ने जब खिताब किया और इमाम सज्जाद ने जब खिताब किया तो वही छापा जो अली की बेटी ने अपने कलाम और खिताब और बयान से और खुदात से छपवा दिया। जी सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बिल्कुल हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, आप इसके ऊपर और कुछ नकाशात पेश करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, सिर्फ 2 मिनट में हमने प्रोग्राम को खत्म कर देना है। अली की बेटी ने अपने खुतबे से वहां की कैफियत को बदल दिया, यानी यजीद जिस हिसाब से खुश था और खुशियां मना रहा था, इमाम मजलूम में करबला का जब सर पहुंचा तो उसके साथ उसने गुस्ताखी की और बाकायदा अपने आबाव अजदाद को उसने याद किया। मैं यही कहता हूं कि देखें, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे अफराद हैं जो अपने आबाव अजदाद को याद करके उनके जुल्म की दास्तान और उनके अकायद और उनकी फिक्र और शेर के अंदर पड़े। जी जदाकल्ला, वक्त होता तो मैं जरूर पढ़ता, किसी प्रोग्राम में पढ़ दूंगा, उसकी तशरीह चाहिए। तो उनके कुफ्र को यजीद ने खुद दरबार शाम में बयान किया। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अपने कलाम से, अशार से, बयान से यजीद ने उनके कुफ्र को दुनिया के सामने पेश किया। अजीब है ये दुनिया, यजीद अपने आबाव अजदाद के कुफ्र को, शिर्क को, इनात को, बुग्ज को, हसद को यजीद तख्त शाम पर बैठ कर जमाहीर के सामने, रुवात के सामने, कुत्ताब के सामने, मौरखीन के सामने बयान कर रहा है, मगर उसे लोग पढ़ते नहीं, उसे देखते नहीं, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में हम दुआ कर लेते हैं और बाकी इंशाअल्लाह दीगर प्रोग्राम में मजीद हम तफसील में जाएंगे। हम दुआ करते हैं परवरदिगार, जिन लोगों ने दुआ की गुजारिश किया परवरदिगार
जो मरीज हैं उनको शफाए आजिल और कामिल इनायत फरमा। तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, तुझे सच्ची का वास्ता है जो अपने बाबा के कटे हुए गले पर अपने सूखे होंठ को रख कर कह रही थी, बाबा काश मैं मर जाती बाबा, मगर आपको इस हालत में ना देखती बाबा। बाबा आपको किसने शहीद किया बाबा, आपका चेहरा खून में डूब गया बाबा, किस जुमला कह किस कायनात को छोड़ दिया बाबा, मेरे जिस्म की तरफ देखिए, करबला से लेकर शाम तक मेरे जिस्म से लहू जारी है बाबा। उस मजलूम और यतीमा का वास्ता तमाम हजरात की दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले, जो रिस्क के हवाले से परेशान है रिस्क कसीर इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत चैनल और इसके डायरेक्टर हजरात, खुसूसी तौर पर हमारे बरादर अजीज जनाब बाकर जैदी साहब, खाहर जनाब जहरा जैदी साहिबा, और वो तमाम अफराद जो इसमें रहमत और मेहनत और काविश और कोशिश करते हैं, उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अहले बैत चैनल मुसलसल खिदमत दीन अंजाम रहा है, इस खिदमत को कबूल, चैनल के पीछे काफी अफराद जो मेहनत करते हैं उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मोमिनीन व मोमिनात जो दुआ जिन्होंने गुजारिश किया उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले, हुज्जत खुदा के सुपुर्द में ताजील फरमा हम सबको मौला के फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह क़िबला, जज़ाकअल्लाह नाज़िन, हमारा मौज़ू आले रसूल करबला, कूफा और शाम, इसके ऊपर नाज़िन मुसलसल जो है वो गुफ्तगू जारी है। हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। अली की जाहो जलालत नमूद करती है, अली की जाहो जलालत नमूद करती है, जुमा भी जब कभी ज़ैनब का नाम आता है। नाज़िन वरूद शाम के ऊपर हमने बात की किस तरह से कारवान को जो है वो दाखिल किया गया, यकीनन सफर के पूरे महीने में उन खुदबात की तरफ जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दरबार में दिए, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम ने दरबार में दिए, उससे जो पेदारी फैली और किस